राहुल गांधी जो देश की बातें, देश की आंतरिक बातें विदेश में जाकर बोलते हैं, यह गलत परंपरा है। हम अपने देश के किसी भी पॉइंट को हम बाहर में क्यों डिस्कस करेंगे? इतना बड़ा भारत देश है, उतना ओछा आदमी नहीं हूँ कि मैं उन बात करूँगा। इनका पुटिंग ऑफ द वर्ड जो था ना, इतना रिएक्शनरी था कि जिस ढंग से ये लोग पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी का ट्रेवल करा रहे हैं, तो ये हमको कहा तो 6 महीना के लिए, कहा तो निष्कासित किया 6 साल के लिए। अरे 6 महीना साल भर ये पटिया को ले चलेगा, पहले यही ना देखावे? तो कोई काम तो हो नहीं रहा है। आपस में पदाधिकारी लड़ रहे हैं, अभी हाल में आपने देखा कि 2 पदाधिकारी लड़ गया जदयू कार्यालय। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, जेडीयू के पूर्व MLC सह प्रदेश प्रवक्ता रणवीर नंदन अब पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जेडीयू के अंदर भगदड़ मची हुई है, इसकी वजह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उनसे पार्टी अब 6 महीने तक भी नहीं चल सकती है। उनके वजह से कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं रणवीर नंदन, सबसे पहले आप उनको खुद सुनिए। मैंने जदयू से इस्तीफा दे दिया और मेरी मुख्यमंत्री जी से नहीं बातचीत हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया था और उन्होंने पूछा कि क्या करना है रणवीर जी, आप पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ेंगे, कहीं दूसरे जगह जाएंगे? हमने कहा कि बात क्या है, अभी तक तो ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो नहीं, आपने जो बयान दे दिया, दो दो बार आपने बयान दे दिया, नीतीश कुमार जी को अंडरटेक करके बयान दिया। हम कहे नीतीश जी को मैंने अंडरटेक करके बयान नहीं दिया, मैंने बयान दिया 3 संदर्भ में मैंने बयान दिया था, 2 ऐसे मान के चलिए। 1 मैंने कहा था कि राहुल गांधी जो देश की बातें, देश की आंतरिक बातें विदेश में जाकर बोलते हैं, तो देश की आंतरिक बातों को विदेश में जाकर बोलना ठीक नहीं है, यह गलत परंपरा है। हम अपने देश के किसी भी पॉइंट को हम बाहर में क्यों डिस्कस करेंगे? इतना बड़ा भारत देश है और उसकी बात भारत में न कह के हम भारत के सिस्टम को हम मतलब बाहर में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिकल सिस्टम हो, कल्चरल सिस्टम हो, हम क्यों बाहर में डिस्कस करेंगे? एक हमने ये कहा था। दूसरा हमने कहा था कि जब हमने देखा कि बहुत से जदयू के भी कार्यकर्ता, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, ये फोटो लोगों ने जब ये किया लगाया अपने अपने वाल पर, वायरल किया, तो हमने भी लिखा कि भाई दोनों नेता महान ईमानदार नेता हैं, महान ईमानदार नेता दोनों जो हैं, वो वंशवाद से नहीं आए, ट्रेडिशनल जो होता है, और दोनों ने काफ़ी विकास किया। तो दोनों के बीच में इतना साम्य है, इतना गुण मिलता है दोनों का, कि यदि दोनों एक साथ आ जाए तो भारत का त्वरित गति से विकास होगा। हमने गलत क्या कहा? एंड इट वॉज माई पर्सनल व्यू, मेरा कोई पार्टी के प्रवक्ता के नाते मेरा ये व्यू नहीं था। तो हमने ये बात कहा, नहीं नहीं, ये तो आप तो भाई पार्टी के प्रवक्ता हैं ना, तो आप ये कैसे बोल दिए? सो आप लोग तो हैं RCP के नेकवाही में लगे रहते थे। हम कहे RCP के नेकवाही में हम नहीं लगे रहते थे, मानवर नीतीश कुमार जी ने हमको RCP के यहाँ भेजा था और संगठन के काम के लिए भेजा था। हम लोग काफ़ी संगठन का काम करते थे। और आप अब जब इनके बारे में मैं बताऊं, तो ये तो 3 घंटा 4 घंटा RCP के यहाँ ये बैठे रहते थे, क्या करते थे? पहली बात। और दूसरी बात है, किसी के यहाँ बैठना अपराध नहीं है, और ये 1 वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद तो इनको RCP फोबिया हो गया। ये 1 वर्ष तक पूरे बिहार से लेकर दिल्ली तक RCP सिंह के खाली मतलब कि क्रिटिसाइजे ही किए, और नीतीश कुमार जी के कान में हमेशा मतलब कि जहर ठेलते रहे। हमको उससे अब कोई मतलब नहीं, मैं तो पार्टी छोड़ चुका हूँ। लेकिन इनका जो प्रायोरिटी था डेवलपमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इनका प्रायोरिटी था आखिर ये क्यों मतलब कि ये हो गए, विचलित हो गए। आखिर अब जब इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में
जब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लिया, आरसीपी को ले लिया, तभी नरेंद्र मोदी टारगेट हो गए, अब उनके बारे में भी बोलने लगे। ये सब इन लोग का अपना आपसी मामला है, उससे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता को कोई लेना देना नहीं था, हम लोग को भी कोई लेना देना नहीं था। ये बार बार जो है ये सभी कार्यकर्ता पर शक जाहिर करते थे, इनकी जो एक आदत जो है, तो हमको लगा कि भाई ये हार्श लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं। और हम लोग को, नीतीश कुमार जी हमारे ऐसे नेता हैं जो मीठा बोलते हैं, अपने क्लास फोर इम्प्लाय को भी नीतीश कुमार आप बोलते हैं, तो ये कैसा लक्षण पाए, इनसे कोई कार्यकर्ता पार्टी में भेंट नहीं करना चाहता। इन ये जब आते हैं तो लोग जो है कि इधर उधर नुका जाता है, अरे कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई, ऐसे कहीं पार्टी चलती है? इतना नीतीश कुमार जी ने मेहनत करके पार्टी को जोड़ा, अब बीच में पार्टी में तो नहीं भी थे, यदि देखा जाए तो बीच के कालखंड में तो नहीं थे। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि नीतीश जी के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा था, वो सब संकलन हो रहा है, तब मतलब कि संकलन होगा तब कहा जाएगा। तो खैर चलिए, मैं उतना ओछा आदमी नहीं हूँ कि मैं उन बात करूँगा। इनका पुटिंग ऑफ द वर्ड जो था ना, इतना रिएक्शनरी था कि हमें लगा कि भाई मेरा भी राजनीतिक जीवन हो गया, 35 वर्ष का राजनीतिक जीवन है, और मैं भी बहुत नीचे से बूथ स्तर से राजनीति मैंने शुरू किया, अब मेरी उपलब्धि भी रही है। हम पटना विद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीत के यहाँ आए थे, छात्र संघ में भाजपा का राजनीति किए, फिर नीतीश जी हमको ले आए जदयू में, वहाँ भी किए, सब किए। नीतीश जी हमारे अभी भी आदर्श हैं, अभी भी हम उनको मानते हैं, भावनात्मक रूप से मानते हैं। नेता अब हमारे वो नहीं हैं, लेकिन मेरे आदर्श वो जरूर हैं, क्योंकि मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिस ढंग से ये लोग पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी का ट्रेवल करा रहे हैं, तो ये हमको कहा तो 6 महीना के लिए, कहा तो निष्कासित किया 6 साल के लिए। अरे 6 महीना साल भर ये पटिया को ले चलेगा, पहले यही ना देखावे, अरे ये 6 महीना साल भर ये पार्टी को ट्रेवल खाली करा दे, तब हम समझेंगे कि हाँ कुछ काम किया। तो कोई काम तो हो नहीं रहा है, आपस में पदाधिकारी लड़ रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा कि 2 पदाधिकारी लड़ गया जदयू कार्यालय में, दोनों को निष्कासित कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा की बात सही हो रही है जदयू के अंदर? अब जो रहे, अब उनके बात को हम थोड़े मोहर मारेंगे धर के। अच्छा, बात तो बड़े नेता है तो कुछ वो डायग्नोसिस किए हैं, भविष्यवाणी किए हैं, तो निश्चित रूप से। लेकिन हम अपनी बात को रख रहे हैं अभी, ये जो सरकार थी उसमें और सुन लीजिए, अब अशोक चौधरी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवाद, वो भी मुख्यमंत्री के सामने, मतलब मुख्यमंत्री का भी भय नहीं है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी का भी भय नहीं है, ये क्या मतलब आचरण है भाई? अरे जरा बाद में कहते, अशोक चौधरी को बुला लेते, मान लीजिए हम ही से बात करनी थी तो हमको बुला लेते, तो हमको बुलाए थे, आज हम बाहर जा रहे थे, रांची जा रहे थे, जब उनसे बात हो गई तो हम रास्ते से लौटे हैं, और लौटने के बाद फिर आप लोग के पास मतलब आके अपना सारा बात रख रहे हैं। बीजेपी जेडीयू जो अलग हुई, आपने अभी रणवीर नंदन को सुना, उन्होंने साफ तौर पर साफ साफ बता दिया कि मेरे इस्तीफे के बाद लेटर जारी किया गया कि 6 साल के लिए मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर ललन सिंह को चैलेंज दे दिया है कि आप पार्टी 6 महीना तो चला लीजिए, 6 साल की बात छोड़ दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनको जो है कि आरसीपी फोबिया हो गया है, उनके न रहने के बाद भी ये आरसीपी का नाम लेते रहते हैं। इसके साथ ही अब सवाल ये भी उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी छोड़े थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि जेडीयू के अंदर जितने भी लोग हैं वो असंतुष्ट है, पार्टी में जल्द भगदड़ मचने वाली है। अब एक बार फिर से जो जेडीयू के पूर्व एमएलसी है रणवीर नंदन, उनके इस्तीफे के बाद ये कहीं ना कहीं बात सच लगने लगी। अब आगे क्या कुछ होता है, आगे रणवीर नंदन का क्या प्लानिंग है, इन्होंने 2 अक्टूबर को बताने का बात कही है, क्या कुछ होता है ये तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।